पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक यात्री के नमाज पढ़ने की जिद पर हंगामा हो गया। यह विमान पेशावर से दुबई जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक यात्री ने अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश की और जब विमान के कर्मचारियों ने उसे रोकना चाहा तो वो फ्लाइट की खिड़की पर लात मारने लगा। सामने आए वीडियो में विमान यात्री सबसे पहले जूते, बेल्ट और पासपोर्ट समेत तमाम चीजें उतारकर अपनी सीट पर रखता दिखा। इनको भी तंग कर रहे हैं, बाकी मुसाफिर भी हैं। फिर सिर पर रुमाल बांधकर नमाज पढ़ने बैठ गया। जब क्रू के सदस्यों ने उसे रोकना चाहा तो वो आग बबूला हो गया और नमाज पढ़ने की जिद पर अड़ा रहा। यही नहीं, वो फर्श पर लेटकर विरोध जताने लगा। किसी तरह समझा बुझाकर उसे सीट पर बिठाया गया, लेकिन वो कुछ देर बाद फिर उठा और अपनी शर्ट उतारकर हंगामा करने लगा, जिससे अंदर मौजूद लोग डर गए। उसकी इस हरकत का वीडियो वहीं मौजूद एक यात्री ने बना लिया। बाद में दुबई में लैंडिंग के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।